हे गाइस वेलकम बैक। तो ये वाली वीडियो पिछली वीडियो का फॉलोअप है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेडलिफ्ट जिन जिनकी इंक्रीज नहीं हो रही वो क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। अब उन कारणों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कारण आपकी डेडलिफ्ट में कैसे रुकावट बने हैं, ठीक है, और क्या क्या कारण हैं पर्टिकुलर आपको बता देता हूँ, और वो आप अपने फाइंड आउट करो कि क्या यही कारण है जिसकी वजह से आपकी डेडलिफ्ट नहीं बढ़ रही, और अगर यही कारण है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करो। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैंने कॉपी में नोट डाउन किए हैं क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। तो पहला हो गया आपका ओवर ट्रेनिंग प्लस रिकवरी। आपकी बॉडी सबसे पहली जो बात है, आपकी बॉडी आप उसको काफ़ी देर से ट्रेन कर रहे हो या ओवर ट्रेन कर रहे हो और रिकवरी उस हिसाब से नहीं हो रही तो भी आपकी डेडलिफ्ट जो है वो रुक जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ दिन का ब्रेक लेना या डीलोड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हर बंदे का बॉडी का रिकवरी लेवल अलग होता है, हर बंदे को पता होना चाहिए उसकी बॉडी का रिकवरी लेवल क्या है अगर आप काफ़ी देर से वर्कआउट कर रहे हो तो। पहला रीज़न हो गया ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो और रिकवरी नहीं हो रही, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न हो गया कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। मान लो एक पर्टिकुलर एरिया तक आपने डाइट सेम रखी थी, अब आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डाइट उस हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉडी फटीग होगी उसकी रिकवरी के लिए उतनी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, उतनी ज़्यादा आपको डाइट चाहिए होगी उसकी रिकवरी के लिए, प्लस स्लीप भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़े मेन कारण जो हैं यही हैं दो, ओवर ट्रेनिंग हो रही है और आपकी डाइट या सही नहीं है, आपकी रिकवरी सही नहीं हो रही है। तो अगर ये दो चीज़ें आपकी फुलफिल हैं, मतलब इन दो चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर हम तीसरी चीज़ पर बात करेंगे। तीसरी चीज़ क्या होगी कि आपको अब फाइंड आउट करना है, अगर आपकी दो चीज़ें सही चल रही हैं, अब आपको तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है कि आपको किस पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत आ रही है वेट उठाने में, समझ रहे हो। आप डेडलिफ्ट लगा रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने वेट उठाया और खींच लिया वो एक रेंज ऑफ मोशन है, नहीं, पर्टिकुलरली दो रेंज ऑफ मोशन आप लेते हो। एक हो गया हाफ लिफ्ट जो आपके नीज के नीचे होती है और एक हो गया आपका हाफ लिफ्ट जो नीज के ऊपर होती है। तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि आपको जमीन से उठाने में दिक्कत आ रही है या नीज के ऊपर से ऊपर ले जाने में दिक्कत आ रही है, ये दो चीज़ें पहले आपको फाइंड आउट करनी है, फिर आपने उस पर काम करना है। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उस पर कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। और अब ओवर ट्रेनिंग हो गया, डाइट हो गया, आपका एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन हो गया, एंड फोर्थ हो गया कि आपका कोई एक मसल है, कोई भी मसल है जो सपोर्टिंग में है वो अब थोड़ा वीक रह गया है। जब आप अपर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो तो मसल्स हैं जो, चाहे वो हैमस्ट्रिंग का मसल हो, चाहे वो क्वाड्स हो, चाहे वो ग्लूट का मसल हो, कुछ ना कुछ आपको हिंडर कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको रोक रहा है जिसकी वजह से आप ऊपर नहीं जा पा रहे। अगर आपकी लोअर लिफ्ट प्लस अपर लिफ्ट भी सही है दोनों चीज़ें, फिर आपको इन छोटे मसल्स पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं मसल्स की वजह से फिर आपकी लिफ्टें नहीं बढ़ रही। सबसे लास्ट चीज़ क्या देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें सबसे ठीक हैं फिर आप क्या करना है, फिर आपने वापस से अपने जो 60% 70% से जो भी आपका लेटेस्ट चल रहा होगा आपका PR, आप उसके 60% 70% पे रेपिटेशंस मारना स्टार्ट करोगे ताकि आपके मसल्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं और आप अच्छे से वेट उठा पाओ। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ है जो आपको हिंडर करेगी, और ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप आराम से अपनी लिफ्टों को इंक्रीज कर सकते हो। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ें आपको तंग कर रही हो। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप इस पर काम करोगे। अगर आपको लगेगा कि कुछ भी इस वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।